विमेंस डे स्पेशल में कहानी एक ऐसी वीरांगना की जिनसे अंग्रेज और मुगल खौफ खाते थे। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने अपने आखिरी दम तक मुगल सेना से युद्ध लड़ा और अपने राज्य पर कब्जा करने वाले मुगल शासक अकबर के इरादे को कभी भी पूरा नहीं होने दिया। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन 24 जून 1524 को बांदा जिले में हुआ था। वह कलिंजर के चंदेला राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेला की इकलौती संतान थी। यह कहानी वीर रानी दुर्गावती की है। वे महोबा के प्रसिद्ध चंदेल वंश की वंशज और गढ़ाकंटगा के गोंड साम्राज्य की रानी थी। उन्होंने बड़े साहस और कुशल नेतृत्व से मुगल साम्राज्य की ताकत का सामना किया। उन्होंने अपने समय की कई अन्य महिलाओं की तरह दुश्मन के हाथों में पड़ने के बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया। उनका नाम प्रचंड रूप वाली हिंदू देवी माँ दुर्गा के नाम पर रखा गया था। दुर्गावती स्वयं दुर्गा का मानव अवतार साबित हुई। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर में हुआ था, जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में स्थित है। मध्यकालीन भारत के सबसे अभेद्य किलों में से यह एक था। यह उनके पिता रथ और महोबा के राजा एवं प्रसिद्ध चंदेलों के वंश सालबान के नियंत्रण में था, जिन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था एवं महमूद गजनवी के हमलों को भी रोका था। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि उनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम दुर्गावती रखा। 18 साल की उम्र में उनका विवाह गढ़ाकंटगा के गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ, जिससे दो शाही परिवारों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। तैमूर के आक्रमण 1398 के बाद जब इस क्षेत्र में सल्तनत के शासन के नाम मात्र बचे अवशेषों को राजा यादव राय द्वारा ध्वस्त किया गया था, तब मध्य भारत में गढ़ाकंटगा, जिसे बाद में गढ़मंडल के नाम से भी जाना जाता है, नाम का एक छोटा सा साम्राज्य उभरा। राज्य का नाम गढ़ा नामक एवं प्रमुख शहर और जबलपुर से 4 मील पश्चिम में स्थित कंटगा नामक एक गांव से लिया गया है। संग्राम शाह के शासन के दौरान विकसित हुआ यह राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर और दमोह जिलों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इनमें रणनीतिक और घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बनाए हुए कुल 52 किले थे। दलपत शाह की मृत्यु वर्ष 1548 में हुई। उनके नाबालिग पुत्र वीर नारायण उनके उत्तराधिकारी बने। रानी दुर्गावती गद्दी पर बैठे वीर नारायण खुद सरकार की बागडोर संभाली। आधार कायस्थ और मान ब्रह्मान ब्राह्मण उनके दो सक्षम मंत्री थे, जिनकी सहायता से रानी दुर्गावती ने राज्य का प्रशासन किया और उसे इतना समृद्ध कर दिया कि लोग सोने के सिक्के और हाथी देखकर भुगतान करने लगे थे। उन्होंने अपने लोगों की सुविधा के लिए रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल जैसे जलाशयों का निर्माण भी कराया था। चेरी ताल और आधार का निर्माण कराए हुए शिक्षा और ग्रहण ज्ञान को प्रोत्साहित करती थी और उन्होंने आचार्य विट्ठल नाथ को गढ़ा में पुष्टि मार्ग पंथ का एक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी थी। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनका राज्य पूर्व से पश्चिम तक 300 मील और उत्तर से दक्षिण तक 160 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें नगर, शहर और मजबूत किले शामिल थे। यहाँ तक कि आबादी में मुख्य रूप से गोंड जाति के लोग शामिल थे, जो गांवों में रहते थे। कुल 23,000 गांवों में लगभग 12,000 सीधे रानी के अधीन थे, जबकि बाकी उनके जागीरदारों के अधीन थे। 20,000 घुड़सवार, 1,000 युद्ध के हाथियों और पैदल सैनिकों की मजबूत टुकड़ी से लैस सेना की मदद से इन सब पर नियंत्रण स्थापित की थी। एक समकालीन फारसी स्रोत तारीख़ फरिश्ता के अनुसार दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को खदेड़ा था, जिन्होंने 1555 और 1560 के बीच उनके राज्य पर हमला किया था। अपने राज्य के एकीकरण के कारण रानी मुगल साम्राज्य के नज़दीक आ गई। मुगल सम्राट अकबर
अपने राज्य के विस्तार की तैयारी में लगे थे। 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। जल्द ही मुगल सेनापतियों ने रीवा और पन्ना के राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। केवल कुछ ही समय में वे रानी दुर्गावती के दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे। कारा मानिकपुर के मुगल सूबेदार असफ खान ने रानी से मित्रता की और लोगों के बीच व्यापारिक संबंध बहाल किए। इन दौरान उन्होंने जासूसी के माध्यम से रानी की सेना और खजाने की जानकारी एकत्रित करना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने सीमावर्ती गांवों में छापे मारने शुरू किया और 1564 में उनके राज पर हमला कर दिया। 10,000 घुड़सवारों, पैदल सैनिकों और तोपखानों वाली एक बड़ी शाही सेना से लैस असफ खान गढ़ कंटका में चढ़ाई करके दमोह पहुंचे। रानी दुर्गावती के कुछ सैनिक देहात में तैनात थे जबकि कुछ छुट्टी पर थे। उनके मंत्री आधार में उन्हें किसी भी लड़ाई में ना पड़ने की सलाह दी। यह रानी को स्वीकार नहीं था और उन्होंने यह फैसला लिया कि हार और अपमान के साथ जीने से प्रतिष्ठा के साथ मरना बेहतर है। रानी ने मुश्किल से 500 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ना शुरू कर दिया। पहाड़ियों और घने जंगलों को पार करती हुई और रास्तों में पुरुषों को इकट्ठा करती हुई वे नरही नामक एक गांव में पहुंची। यह रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान था जो उस तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ दो नदियां नर्मदा और गौर से। इस स्थान में प्रवेश और निकास दोनों ही बहुत कठिन थे। दुर्गावती ने यहां अपनी सेनाओं के साथ मोर्चाबंदी की। असफ खान कुछ समय के लिए रानी का ठिकाना पता लगाने में असमर्थ रहे, किंतु आखिरकार जब उन्हें पता चला कि वे नरही पहुंच गए तब देखकर रानी दुर्गावती ने अपने सेनापतियों के बैठक बुलाई और कहा कि उनके लिए अधिक समय तक छिपना रहना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्हें लड़ना होगा। साथ में यह भी कहा कि यदि कोई उनके निर्णय से असहमत है तो उस व्यक्ति को जाने की इजाज़त है। जब उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि उनके 5,000 सैनिकों ने वहीं रुककर उनके आदेशों का पालन करने का फैसला किया। अगले दिन मुगल सैनिकों ने घाटी के उन सिरों पर कब्जा कर लिया जो नरही की ओर जाते थे। रानी के युद्ध हाथियों के सेनापति अर्जुनदास भाई दर्रे की रक्षा करते मारे गए। यह सुनकर रानी स्वयं अपने सैनिकों को युद्ध में ले गई। उस दिन उनकी रणनीति काम कर गई। उन्होंने अपने आदमियों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया और मुगलों को हराने में सक्षम रहे। और दिन के खास खत्म होते ही दुश्मन के 300 सिपाही मारे गए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं, जय श्री राम।